हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो आज मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं कॉलेज की, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाते हैं क्रिसमस का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं सिटी को। तो हम लोग आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं एडलेड फेस्टिवल सेंटर से, जहां पर यहां से जो सिटी की खूबसूरती है बहुत अच्छा दिखती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं, और भाई आज का जो दिन था बहुत क्वाइट था और ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पर, तो अच्छे से मैं ब्लॉग को भी शूट कर पा रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जो सिटी का हर्ड जिसे बोलते हैं उस जगह पर, और यहाँ पर भाई जो पौधे हैं बहुत अच्छे तरह से ढंग से लगाए गए हैं, और देखने में भी बहुत प्रॉपर तरह से भाई ये दिखता भी है। और यहाँ पर थोड़ी ही दूर पे एक यूनिवर्सिटी पड़ती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड। तो भाई यहाँ का जो नज़ारा है भाई पूरे एडवांस लेवल का है, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल यार ये मेरा फेवरेट जगह है। तो आज हम लोग जो एडलेड का मेन मेन पार्ट है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। तो हम लोग दिखाते हैं आगे की तरफ। इनका एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है, जहाँ पर इनके जो पिछला जो वार वार लड़े थे इन्होंने, जिसके खिलाफ, उनके बारे में इस म्यूज़ियम में उन्होंने दिखाया है। और एक म्यूज़ियम नहीं है, लाइक एक पार्क ही है। तो आप सामने देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पार्क है यहाँ पर। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी फ़ोटो यहाँ ही से खींच कर डाला था। तो ये सारा इनका जो फ्यूनरल थे, ये इस तरह का ही फ्यूनरल बनाते हैं, वो दफना देते हैं ज़मीन में। तो ये सामने देख सकते हैं भाई इनकी जो खूबसूरती है भाई, हर जगह है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। भाई जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर ही अच्छी अच्छी जो सीन है बहुत अच्छी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पर जो ग्रीनरी है, और जो इधर बगल में थोड़ा सा एक म्यूज़ियम था, तो वहाँ पर हमें एक राइफ़ल और एक तोप उन्होंने रखा हुआ है, बट वहाँ पर वो प्राइवेट है इस समय क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं। तो फिलहाल हम उस साइड पे तो नहीं जा सकते हैं। मैं कभी और एक उसका अलग ही ब्लॉग मैं बनाऊंगा और दिखाऊंगा उधर का। तो यहाँ पर यार खूबसूरती तो बहुत है, जहाँ पर जाओ उधर ही देखो, खूबसूरत माहौल है पूरा। और ये मैं रहा, और मैं भी यार थोड़ा सा अपना डाल देता हूँ वीडियो कि लगे कि यार मैं ही बना रहा हूँ वीडियो। तो मेरा वैसा सपना नहीं था कि भाई मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं यही चाहता हूँ भाई लोगों को मैं दिखा सकूँ कि भाई जो जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ का जो व्यूज़ कैसे हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो बस मेरा यही मोटिवेशन है कि लोगों को मैं बता पाऊँ कि यार ये ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर अच्छे खासे लोग पैसे भी बना के जाते हैं। तो चलो फिर हम लोग दिखाते हैं आपको जो ऑस्ट्रेलिया का जो एडलेड है, वहाँ का जो फेवरेट स्टेडियम है मेरा, ये आप लोग सामने देख सकते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं, क्रिकेट नहीं, यहाँ पर सारे मैचेस होते हैं। तो यह बहुत अच्छा है, यहाँ का ये जो रिवर है बहुत खूबसूरत बनाता है इस जगह को। और ये सामने एक बहुत अच्छा भाई ये झरना सा है भाई, यहाँ पर पानियाँ हमेशा गिरता रहता है। तो हम सा पता नहीं ये कहाँ से आता है, बट इस रिवर से ही कोई मोटर होगा उसके ऊपर लेकर आता होगा। और यहाँ के जो लोग हैं भाई, इस समय तो बहुत कम है क्योंकि बहुत छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ये फ़िलहाल मैं हूँ। तो चलो हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत जगह पे जिसे हम बोलते हैं रेंडल मॉल, यहाँ का सबसे फेवरेट प्लेस है। और वहाँ का मैं क्रिसमस सेलिब्रेशन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेंडल मॉल पे, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिसमस का जो ट्रीज़ है इन्होंने कितने खूबसूरत सजा कर रखा हुआ है। तो अच्छा लगता है भाई इधर क्रिसमस का ट्री और क्रिसमस का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग लेकर चलते हैं जहाँ पर आज रात में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा, और वहाँ पर सबसे बड़ा क्रिसमस का ट्री है। तो आप लोग को दिखाते हैं कुछ पल में, और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, और गाड़ियाँ भाई पूरी आती जाती रहती हैं। तो फाइनली हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं, और
सामने देख सकते हैं, और जो ट्री दिख रही है आप लोगों के सामने वही है यहाँ का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री। और अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि भाई अभी सुबह का टाइम है, अराउंड 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो यहाँ का जो क्रिसमस सेलिब्रेशन रात में ही होता है, तो इसके वजह से यहाँ पर कोई भी अभी आना पसंद भी नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम ही लोग हैं बस। ये अभी बस चल रही है या गाड़ियाँ चल रही हैं केवल। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है क्रिसमस ट्री, और इसके सामने भाई ये फुहारे लगे हैं। ये रात में भाई बहुत सुंदर लगता है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई यहाँ से भाई क्रिसमस ट्री कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो सिटी का व्यू है भाई, ये बीचों बीच सिटी के अंदर है और ये चारों तरफ से इसके सड़क हैं, तो यहाँ पर भाई जो ग्रीनरी भी है बहुत अच्छी है। और ये सामने रोड है, इसके बीच में भाई आप देख सकते हैं भाई क्रिसमस ट्री है, और इस बगल में ही उसके बस स्टॉप भी था। तो आप लोग देखें भाई कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, मैं आपको दिखा दिया भाई पूरा कैसे यहाँ पर सेलिब्रेशन रात को होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं बनाता हूँ, अगर समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल नया ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है भाई लोग, फिर।